क्या कर रहा है तुम? बाबा तुम गिर जाएगा तो क्या होगा फिर वहाँ से? देखिए हाथ छोड़ के खड़ा हो जाता है। अभी क्रियांश को जो है दूसरे रूम से यहाँ पर लाया गया है क्योंकि यह वहाँ पर जो है बच गया जस्ट अपना सीट टकराते हर पल रिस्क है। जब भी बचता है तो भगवान को भोलेनाथ को हमेशा धन्यवाद करते हैं आपके दया से बच गया। नहीं तो इसका हाथ पैर कान कपा कब टूटेगा इसका कुछ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग आ गए हैं जी छत पर घूमने के लिए और लगता है लगभग साल लग चुका होगा कि हम लोग छत पर आए होंगे इस समय घूमने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग आए थे जब क्रियांश पेट में था, है ना? वही क्रियांश। और आज क्रियांश लेके आया ऊपर। तो बिल्कुल, और यह सुबह सुबह से जो है अपना तबाही मचाना शुरू कर दिया है। 4 बजे से उठा हुआ है। तब सोचे कि अब ज्यादा देर इसको नहीं रखना है बेड पर क्योंकि बहुत तबाही मचाने लग गया, तो इसको लेकर के आ गए हैं। और अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद जो है छत पर आना और बाहर का नजारा लेना, मजा आ रहा है। और उधर देख सकते हैं जी सूर्य भगवान अभी बस नजर आ रहे हैं और कुछ देर में जो है अच्छा खासा उदय हो जाएगा इनका। और देख सकते हैं कुछ कुछ फूल जो है यह खिल रहा है और यह उजला रंग का गुलाब है, पिंक सब हो वही कह सकते हैं, बिल्कुल लाइट पिंक। तो कितना अच्छा लग रहा है यह, और बाकी सब में भी जो है फूल होना स्टार्ट हो गया है। ये जो है दिन प्रतिदिन गुंडा होते जा रहा है। बाप रे कैसे करता है, कल से सीखा है ये अपना गुंडापनी, वरना ये हमेशा हंसते रहता था। शकल से देखिए गुंडापनी इसका। अब बिल्कुल एकदम शैतानी आ गया इसके अंदर। इसमें देखिए ना कितना है, कली जो है अच्छा खासा फूल होगा। यह पराजिता शो किया और एलोवेरा है नीचे, चलो उसको लगाएंगे, बहुत दिनों से छोड़ दिए हैं लगाना एलोवेरा। हम लोग फूल तोड़ते नहीं है तो देख सकते हैं फूल जो है आराम से अपना बड़ा हो करके सूख जाता है। नीचे और देखिए एक बार देख लिया। क्रियांश क्या कर रहा है तुम? ये क्या कर रहा है तुम? बाबा तुम गिर जाएगा तो क्या होगा फिर वहाँ से? क्या हाल होगा तुम्हारा? अच्छे से डांस करता है लेकिन ये देखिए हाथ छोड़ के खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि गदाक बढ़ जाता है इसे पता। ये मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा जी? मथुरा वृंदावन। ये मैं जाऊंगा, पहली बार जाऊंगा। यहाँ पर दीवार पर जाता है, तुरंत टकराएगा मथा, अंक पर इसका पड़ जाएगा, अलग रहना होगा। कमेंट भी बहुत आ रहा था, बहुत बदमाश हो गया ये लड़का। तभी सुरक्षित रहता है। दादी मूर्ख है। एक यार क्या बोलेगा, सब दादी मूर्ख है। इसकी दादी भगवान सबको दे, इसकी जैसी दादी सबको भगवान दे। एक यार जब बड़ा होगा तो बोलेगा मेरी जैसी दादी भगवान सबको दे, हैं? अभी तो नहीं बोल पाता है, हैं? है ना, सही बोले ना क्रियांश? कृपा करके आप यहाँ थोड़ा देर रहिए, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, भोजन करेंगे। आपने कर लिया, दवाई भी देना इसको। दोनों बाप बेटा खा चुके हैं इसलिए कृपया हम लोग को समय दिया। ठीक है दवा, तुम लोग अपना अपना काम करो, हम इसके साथ बैठे हुए हैं। इसको दवाई भी देना है। यहाँ पे इतना सारा खिलौना है, ऊपर में एक कार्टन भरा हुआ, लोग देखने वाला। क्रियांश तो फैनली सो गया जी, इसको घुमाते घुमाते पोएम सुनाते सुनाते कब सो गया पता ही नहीं चला हमको। आज तक पता नहीं चला है कि क्रियांश सोता कैसे है। हमेशा एक जो है एडवेंचर ही रहता है कि क्रियांश को सुलाया कैसे।
इधर मम्मी का भी हो चुका है नहाना और पूजा हो गया, और अब जो है जिया जा रही है, जल्दी से स्नान कर लो, खाना खा लो, तब तक हम जो है, बेटा सोया हुआ है तो मौका है, एक घंटा हमें नींद मार लेते हैं। आप तो हमें बिल्कुल बेटा को सुलाए हैं, रिवार्ड तो मिलना चाहिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम जो है अपना एक घंटे का अपना नींद पूरा कर लिए हैं, और जब हम उठ गए हैं कुछ देर अपना काम धाम सब किए, और अब जो है मन नहीं लग रहा है हमारे बेटे के बिना, क्योंकि हमारा बेटा जो अभी तक सोया हुआ है, जब वो जगा रहता है तब लगता है कि सोता क्यों नहीं, और जब सोया हुआ है तो लग रहा है जगा क्यों नहीं। अपना उठा दीजिएगा, फिर अपना काम पे बैठ जाइएगा, उसके बाद झेलेंगे हम। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वैसे उसको मौका है आधा घंटा बस और सोने का, ज्यादा देर सोने भी नहीं देना है, फिर हम उठा देंगे, फिर खेलेंगे उसके साथ। यहाँ जी आके बैठ गई है मेरे चेयर पर, तो क्या चल रहा है जिया? कमेंट का रिप्लाई कर रही है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, सबका रिप्लाई कर रहे हैं। वाह, बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, क्रियांश की शैतानी पे है, बहुत नटखट हो गया, सच में बहुत ज्यादा नटखट हो गया। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्रियांश का डाइट क्या है। अच्छा, और क्रियांश का बहुत कोई रूटीन भी पूछ रहे थे। तो हम लोग इस पे वीडियो बनाएंगे, और आप लोग वीडियोस देखते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगता है, और कोई क्वेश्चन रहे वीडियो से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगेगा और हम आपके कमेंट का रिप्लाई करें। तो यहाँ देख सकते हैं क्रियांश का हो गया सोना, और अब यह जो है उठ करके आ गया है, और अब इसको कुछ शैतानी सूझ रही है। कौन सी शैतानी करनी है कौन सी शैतानी करनी है, बता दो। नहीं, शैतानी कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, खाली तो बैठा नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो शैतानी आ रही होगी। ओ क्रियांश, ओए क्रियांश, अभी क्रियांश को जो है दूसरे रूम से यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि यह वहाँ पर जो है बच गया, जस्ट अपना सिर टकराते हर पल रिस्क है, जब भी बचता है तो भगवान को भोलेनाथ को हमेशा धन्यवाद करते हैं, आपके दया से बच गया, नहीं तो इसका हाथ पैर कान कपा कब टूटेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इतना बदमाश है, अपने पटकता है, नया चीज सीखा है सर पटकने वाला चीज, दूसरा एक तो ठोकर लगेगा, दूसरी बात है अपने पटकता है। यही ट्रो दुला है। अब उसके बाबा आ गए हैं, दोनों हाथ और आगे से। होए क्रियांश, पूजा घर में आ गया, और टिकली नीचे, इसको टिकली लगा दिया तुम, देखिए वाह, लड़की बनी है मेरा बेटा, हाँ बाद में क्लिप लगा दी है, वाह बहुत बढ़िया, आँख पे आ जाता है। उसे कमेंट किसी का देख रहे थे एक बार जब लगाई थी, कि नहीं लगाना चाहिए, तो बाकी आप लोग बताइएगा जी क्या उपाय है इसका, लगाना चाहिए कि नहीं क्लिप, डॉक्टर भी मना किए थे लगाने से, अभी तेल भी नहीं लगा सकते। क्रियांश को मिल गया अपना घंटी, ओए ना, ओए तो बोला खोल दीजिए एक बार, जय जय कर सकते हैं एक बार, अब बाबा खोलेंगे, करो जय 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 जय। इधर क्रियांश को मिल गया अपना घंटी, और हम चल रहे हैं बाहर बैटरी लेने के लिए, और बैटरी क्यों लेने जा रहे हैं जी, वेटिंग मशीन का जो हमारा बैटरी है वो डाउन हो गया है, और आज जो है वेट करना है, तो हमने ले लिया जी बैटरी, और आज हम जा करके देखते हैं कि आखिर वेट कितना है जिया का, और अपना भी वेट देखना है, क्योंकि जिया के वेट में जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख रहा है। वेटिंग मशीन उधर रखा हुआ है टेबल पर, बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल किया नहीं था, अब देखते हैं अभी ये काम कर रहा है कि ना, अभी ये काम कर रहा है, तो ऐसा करो जिया तुम इस पर खड़ी हो जाओ, क्रियांश का भी वेट नाप लेंगे, तुम्हारा भी नाप लेंगे, देख लो पहले दोनों का जॉइंट देखते हैं कितना हुआ है, तो वेट जो है अभी
57, ठीक है। अब जो है तुम खड़ी हो जा। तो अब देखते हैं जिया का वेट कितना है। 47.5 है तुम्हारा वेट। तो जिया के वेट में तो काफी अंतर है जी। जिया का वेट जो है पहले था 49 पॉइंट समथिंग था, और अब जो है इसका 47.5 हो गया है। तो मतलब 2.5 किलो के करीब जो है जिया का वेट कम हुआ है। तो जिया का हेल्थ जो है डाउन हो रहा है। तो अब जो है तुम थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो, तमाशा सब नहीं चलेगा, ठीक है।